Sachiv Shri Nand, Shri Bishoi, Shri Hak, Arundhati, Sabhi Padadhikarigan aur Sare Puraskar Vijeta, Sare Puraskar Vijetaon ko bahut bahut abhinandan. ये जो पोस्टल वीक होता है इसमें हम अपनी उपलब्धियों की भी चर्चा करते हैं, जो कुछ अच्छा हुआ उसकी भी चर्चा करते हैं, कुछ कमियां होती हैं उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, ताकि एक नए उत्साह के साथ हम आगे काम करें, ये मेरी अपेक्षा होगी. देखिए, पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में अभिनंदन ने कहा कि मैं जब आपके विभाग का मंत्री नहीं था तब भी आपके वॉच पर था मैं या आप मेरे वॉच पर थे. उसका कारण क्या था, और आपको मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे भाषणों से मेरी सोच को समझने की कोशिश करिए. भारत को जोड़ने वाले जो भारत सरकार की संस्थाएं हैं उनका फुटप्रिंट क्या है. एक तो पोस्टल विभाग है हिंदुस्तान के करीब करीब हर ग्राम पंचायत में, हर शहर में, रेलवे है, टेली कम्युनिकेशन है, हमारे आईटी में एनआईसी के लोग हर जगह है, और आर्म फोर्सेस है. ये सारे इंस्टीट्यूशंस में अगर एनआईसी को छोड़ दें जो बाद में शुरू हुआ इस ग्रुप में, तो ऑल आर कंप्लीटिंग नियरली 100 ईयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. तो मैं हमेशा कहता हूं कि दीज इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स हैविंग द पेट्रनेज एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू रिमेन रेलेवेंट फॉर टुडे फॉर टुमारो. इसलिए पोस्टल विभाग की उपयोगिता और पोस्टल विभाग की प्रतिष्ठा ये देश के लिए आवश्यक है, ये मैं कहना चाहता हूं. इसलिए मैं हमेशा जब आपके विभाग की मीटिंग नहीं भी होती है और मुझे सरकार के दूसरों अस्त्रों पर जब मीटिंग का अवसर मिलता है तो हमेशा मैं पोस्टल विभाग की चर्चा बहुत ही सार्थक रूप से इसलिए करता हूं कि पोस्टल विभाग की सफलता देश के विकास के लिए जरूरी है. इस बात को और अगर ये मेरी आपसे अपेक्षा है तो ये मेरी मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप भी देखो बदलाव का दो शब्द है, समयानुकूल युगानुकूल, चेंजिंग विथ टाइम्स एंड ऑल्सो चेंजिंग विथ एजेस. क्या आज से 150 साल पहले भारत की पोस्टल सेवा शुरू हुई तो आज जब एक नई दुनिया बन रही है तो इसमें वैसे ही चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए. ये मंथन निचले स्तर से ऊपर तक होना चाहिए. और आज मैंने जिन पोस्ट ऑफिस के हमारे कर्मचारियों को मेघदूत अवार्ड दिया है तो एक मेरी विभाग से अपेक्षा होगी कृपया करके एक कमिटी बना के उनके काम को रिव्यू करें और रिव्यू करके देखें कि बाकी पदाधिकारियों को उनसे प्रेरणा आप कैसे दिलवा सकते हैं. जब आप ये करेंगे तो प्रेरणा बनेगी. ये मेरी बहुत गंभीर अपेक्षा होगी कि अगर इसमें से आपने 8-10 लोगों को अवार्ड दिया तो क्या अगर उसमें से 2-3 के कंट्रीब्यूशन को भी पोस्टल विभाग ने विस्तार रूप से समझा तो इसका अच्छा असर पड़ेगा. मैं चाहता हूं कि पोस्टल डिपार्टमेंट्स के आदर्श पोस्टल डिपार्टमेंट कर्मचारियों का काम बने, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो छोटे स्तर के कर्मचारी हो. जब ये काम आप करेंगे तो आप देखेंगे एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है. अच्छा कि आपने पत्र लेखन का कार्यक्रम किया, देश के नाम पत्र, राइटिंग टू द मदरलैंड. गांधी जी की 150वीं जयंती है, क्या विभाग देश भर में गांधी जी के ऊपर पत्र लेखन का एक विशेष कार्यक्रम कर सकता है? सोचना चाहिए.
और पोस्टल विभाग से गांधी जी का बहुत जुड़ाव रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि इस देश में अगर पत्र लेखन में किसी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलना चाहिए तो गांधी जी को मिलना चाहिए। अब उनके पत्र तो नहीं है या जो हैं गांधी जी की स्मृतियों में हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि पोस्टल विभाग को अपने पोस्ट ऑफिसेस के रिकॉर्ड्स को खंगालना चाहिए, कुछ ना कुछ गांधी जी का जरूर मिलेगा। आपके दिल्ली में, मोतिहारी में जहाँ वो चंपारण सत्याग्रह में गए थे, पटना में, वर्धा में, साबरमती गुजरात में, इसको देखना चाहिए। और एक लेटर राइटिंग कंपटीशन गांधी जी के थीम पर विशेष रूप से करना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा होगी। ये जो आप फिलैटली करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन फिलैटली को भी हमेशा, मैं बचपन में स्वयं स्टैम्प बहुत कलेक्ट करता था, तो एक शौक भी है और ये देश का एसेट भी होना चाहिए। फिलैटली स्टैम्प कलेक्शन नॉट ओनली शुड बी व्यूड एज ए हैबिट बट ए पार्ट ऑफ द नेशनल ट्रेडिशन। इस दिशा में क्या करना चाहिए? अब जैसे आज के दिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। अभी महाबलीपुरम में, उसको मलापुरम बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चर्चा हुई, पूरी दुनिया में इस चर्चा की चर्चा हुई, पूरी दुनिया में इसे दिखाया गया और हमें ये भी बताया गया कि चीन और भारत के संबंध चुलार और पालव के समय से हैं। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि इस बार के जब सेकेंड इनफॉर्मल मीट की बात आई तो शायद चीन की ओर से ही सुझाव आया था कि हम लोग अच्छा होगा महाबलीपुरम में मिले, और बहुत ही सफल मीटिंग हुई। क्या महाबलीपुरम पर एक स्टैंप हम निकाल सकते हैं? निकालना चाहिए, सोचना चाहिए। और विदेश विभाग से बात करके इस स्टैंप को चीन को पुरस्कार स्वरूप देना चाहिए। भारत के राजदूत और जो चीन के राजदूत, ये मेरी सलाह क्यों है कि पोस्टल डिपार्टमेंट को जब इस तरह से समसामयिक विषयों पर भी पोस्टल का इन्वॉल्वमेंट क्या है, और जो चीन की चर्चा हुई है, जो भारत की चर्चा हुई है, अगर महाबलीपुरी के महाबलीपुरम के मंदिर पर एक अच्छा सेट निकालेंगे पोस्टल स्टैम्प्स का, तो इट विल बिकम ए कलेक्टर्स आइटम बोथ इन इंडिया एंड ऑल्सो इन चाइना, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं चर्चा कर रहा था तो मुझे बताएगा कि हिमालय के ऊपर स्टैंप निकले हैं। भारत की डाइवर्सिटी के बारे में सोचना चाहिए। इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, क्या आपके अंदर, आपके विभाग में इस पर सोच सकते हैं क्या कि द पोस्टल डिपार्टमेंट विल सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया बाई इशूइंग स्टैंप्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू डीप साउथ। देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि भारत की विविधता में एक जबरदस्त तरीके की एकता है, और अगर इसको आप रिलीजियस रूप में नहीं देखें, शंकराचार्य निकले तो जहां जहां उन्होंने अपने पीठ की स्थापना की उसको अगर आप धागे से बांध दीजिए तो वही तो हिंदुस्तान है। उत्तर में बद्रीनाथ है, दक्षिण में रामेश्वरम है, पूर्व में पुरी है, पश्चिम में द्वारिका है। ये जहां जहां माँ की आदिशक्ति बैठी हुई है, जहां जहां शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में बैठे हुए हैं, जहां जहां सूफी संतों की मजारें हैं, चाहे वो अजमेर शरीफ हो या दक्षिण हो, जहां जहां एमिनेंट चर्चेज हैं, क्या इस तरह से भारत की एक सांस्कृतिक विविधता के बारे में कोई खोज हो सकती है? क्या सोचना चाहिए। दीज स्टैम्प्स विल बी यूज्ड बाय द कलेक्टर्स एज एन इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशन टू अंडरस्टैंड द हेरिटेज ऑफ इंडिया। इस दिशा में कुछ नई सोच होनी चाहिए। एक बात मुझे और कहनी है स्टैम्प्स के बारे में, और ये मैं बहुत गंभीरता से आज रिकमेंड करूंगा उस नंद आपको और आपकी टीम को, कि भारत की आजादी के आंदोलन में कई नेता आए, कई महत्वपूर्ण हो गए, कई नहीं हुए। क्या गांधी जी के 150वें जन्मदिवस के अवसर पर
पोस्टल विभाग ये कोशिश करेगा कि जो भी आज़ादी के आंदोलन के गुमनाम सिपाही रहे हैं उनको हम सम्मानित करेंगे, सोचना चाहिए। या तो आप टिकट निकालिए या उनके नाम पर कोई सेल्फ स्टैम्प ला करके उनके परिवार को दीजिए, और आपका नेटवर्क इतना देश में बड़ा है कि आप खोज सकते हैं। मैं 3-4 बार अंडमान निकोबार गया हूँ, जब भी मैं जाता हूँ तो 1-2 घंटे सिल्वर जेल में बैठता हूँ, सावरकर के सेल में, बाकी 11 साल एक ही कमरे में रहे, उनको लिखने के लिए भी कलम नहीं मिला था, तो बड़े अच्छे कवि थे तो वो एक तिनके से दीवार पर लिखने की कोशिश करते थे, उनके नीचे ही फांसी घर था। तो मैंने कहा कोई लिस्ट दिखाओ यहाँ कौन कौन रहा है। मैं थोड़ा लिखता पढ़ता हूँ लेकिन सबको मैं भी नहीं पहचान सका। क्या मेरा पोस्टल विभाग गांधी जी की 150वीं जयंती पर इस बात की चिंता करेगा कि जो भी क्रांतिकारी सिल्वर जेल में रहे हैं हम सबको खोजेंगे, उनका अगर स्टैम्प नहीं तो उनका एक सेल्फ स्टैम्प बनाएंगे और उनके परिवार के लोगों को जाके हैंड ओवर करेंगे। ये पोस्टल डिपार्टमेंट का सम्मान है। मैं चाहता हूं आपका विभाग जुड़े लोगों से और जुड़े, सिर्फ प्रशासन के स्तर पर नहीं भावनाओं के स्तर पर, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूं कि पोस्टल विभाग के प्रति एक स्नेह रहता है। 17 करोड़ आपका पोस्टल सेविंग बैंक है। मैं पिछली बार आया था तो चीफ पीएम जी के कार्यक्रम में तो मैंने कहा था कि आपका पेमेंट बैंक अकाउंट भी 17 करोड़ होना चाहिए, तो मुझे मालूम हुआ कुछ लोग परेशान हो गए। अब आपके 17 करोड़ अगर सेविंग बैंक अकाउंट हैं तो वाई कांट दे बी एक्सपेंडेड विथ योर पेमेंट बैंक अकाउंट क्लब टुगेदर एंड फर्दर बिकम ए बिग एसेट ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये नई सोच क्यों नहीं होनी चाहिए? और मैं नई सोच वाला मंत्री हूं और आपको मेरे साथ चलना है, जान लीजिए आप। मैंने पहले भी विनम्रता से कहा था, आज कुछ सख्ती से बोल रहा हूं, मेरे काम करने का तरीका दूसरा है। अगर प्रधानमंत्री ने आपको मुझे आपका दायित्व दिया है तो आपको मेरी सोच के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि इस सोच में आपकी सफलता है। याद करिए, मैंने जब पहले आपका मंत्री था तो अभी बताया मुझे नंद ने कि जो परेल डाक पोस्ट ऑफिस के आए थे तो मैं वहाँ गया था ई कॉमर्स के नए पूरे सिस्टम को इनॉग्रेट करने, और डे वन से मैं इसके पीछे पड़ गया था कि मैं ई कॉमर्स में कस के लगाऊंगा पूरे सिस्टम को, और उसका लाभ हुआ, आपका पोस्टल रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो मैं वहाँ पर गया था तो मैंने पूछा कि यहाँ पहले क्या रखते थे, कहा गंदे गंदे पोस्टमैन के बैग यहाँ गिरे होते थे। अब देखिए आज वहाँ काम की यही स्थिति है कि मेघदूत का अवार्ड मिल रहा है। तो ये जब नई सोच आप लेकर के आएंगे ना उससे लाभ मिलेगा, ये मेरी अपेक्षा है। इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोग्राम में, और देखिए एक बात समझिए, नरेंद्र मोदी की सरकार के कुछ बड़े मौलिक आयाम हैं, इसको अपने पिछले कार्यक्रम में संकेत दिया था, आज थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहता हूं। ये जो रिफॉर्म परफॉर्म इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म, सुधार करो काम करो क्योंकि बदलाव करना है, और उस बदलाव के केंद्र में गरीब आदमी, उपेक्षित आदमी। आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो जनधन के लगभग 33 करोड़ प्लस अकाउंट्स खुले, कैसे खुले? हम लोग नए नए मंत्री बने थे 14 में, तो ये कार्यक्रम हुआ, मोदी जी ने कहा तुम लोग सब लोग फील्ड में जाओ, हम लोग भी फील्ड में गए, और मोदी जी ने भारत के सारे बैंकों के मैनेजर्स को पत्र लिखा डायरेक्ट कि देश के लिए क्या आप जाग सकते हैं। अब ये अपने आप में अनहोनी बात थी कि भारत का प्रधानमंत्री देश के हर बैंक के मैनेजर्स को अपना साइन चिट्ठी भेज रहा है। उसका नतीजा क्या हुआ कि सारे मैनेजर निकल गए, हम लोग फील्ड में घूम रहे थे, और 1.5-2 साल में देखिए आपने इतना अकाउंट कर दिया। आज
डिजिटल इंक्लूजन में जनधन, आधार, मोबाइल, इसका एक बड़ा ही जबरदस्त रोल रहा है। और देखिए, क्यों मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए हमारे सिस्टम से अधिक आप कुछ कर रहे हैं और बढ़ाइए। हमने अभी तक 8,51,000 करोड़ रुपया DBT में भेजा, अब कितना सेव किया, 1,54,000 करोड़, जो बिचौलिए और मिडिल मैन खा जाया करते थे। अब डिजिटल इंडिया मैं ही हेड करता हूं और मोबाइल और आधार भी मेरे अंडर में है IT मिनिस्ट्री में। आज ये डिजिटल इंक्लूजन, मैंने जान के डिजिटल इंडिया की जब परिभाषा रखी थी, हमने कहा इसको टेक्नोलॉजी से बाहर ले जाऊंगा, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड बिटवीन डिजिटल हैव्स एंड डिजिटल हैव नॉट्स, नंबर वन, डिजिटल इंक्लूजन, समावेशी डिजिटल विकास, और उस टेक्नोलॉजी से जो लो कॉस्ट हो, भारत में बनाई गई हो और डेवलपमेंटल हो। आधार भारत में बनाएंगे, सीक्रेसी प्राइवेसी पार्लियामेंट्री कानून है। आज देखिए पूरी दुनिया भारत के समावेशी डिजिटल विकास की चर्चा करती है। आज से 1.5 साल पहले मैं बहामास गया था, वहां कॉमनवेल्थ कानून मंत्रियों का सम्मेलन था, तो मैं जहां जाता हूं तो मेरे साथ डिजिटल इंडिया चलता है, जबकि मैं एज ए लॉ मिनिस्टर गया था। तो मैंने विस्तार से बताया कि जुडिशरी में हम कैसे डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, सोसाइटी में कैसे कर रहे हैं। आपको बताऊं, कॉमनवेल्थ में तो सारे वो मंत्री आते हैं जो देश पहले अंग्रेजों के साथ थे, लगभग 45 अफ्रीकी देशों के मंत्री आए, कहा सर हमें बताइए डिजिटल इंडिया के बारे में, वी वॉन्ट टू यूज इट। मैं चाहता हूं कि भारत के पोस्टल विभाग की उपलब्धि दुनिया में चर्चा होनी चाहिए इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये मेरी आपसे अपेक्षा है, जब आप ये करेंगे तो परफोर्स, बिकॉज पोस्टल डिपार्टमेंट इज एन आर्किटेक्चर ग्लोबली अवेलेबल, देयरफॉर ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम लैटिन अमेरिका टू अफ्रीका टू साउथ ईस्ट एशिया will keenly try to follow the Indian model. और जब यह होगा तो फिर पोस्टल विभाग की क्या उपलब्धि होगी ये तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भाई, आपके 17 करोड़ अकाउंट 25 करोड़ होने चाहिए, यह मेरी अपेक्षा है। और मैं IT विभाग में 1,00,000 डिजिटल विलेज स्थापित करने वाला हूं, काफी स्थापित हो गए, और ये डिजिटल विलेज मैं इंपावरमेंट के लिए करता हूं, जहां कॉमन सर्विस सेंटर होता है, जहां डिजिटल पोस्ट ऑफिस आ जाए, जहां पब्लिक वाईफाई हो, जहां हमारे छोटे BPO आ जाए। और देखिए, अगर आप नए प्रयोग करते हैं तो बदलाव कैसे होता है, आई एम कन्विंग टू यू माई थिंकिंग एज ए फूड फॉर थॉट फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट पटना के आसपास लगभग 20-25 डिजिटल विलेज बिठाए, बिहार में आए, बाकी जगह भी आए। तो लड़कियां आजकल कंप्यूटर ट्रेनिंग लेती हैं, BPO में काम करती हैं। मैंने उनसे कहा था कि बच्चियों के लिए लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन बनाओ, तो वो भी काम शुरू हो गया है, डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम चल रहा है। तो इस बार जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो माई प्रेजेंट सरप्राइज, एक गांव की बच्चों ने एक वीडियो बनाया, मुझे कुछ नहीं पता था कि रवि अंकल ने हमारी जिंदगी कैसे बदली है, और वो चले लगा था। उन्होंने बताया कि देखिए, हम लोग घूंघट में रहते थे, आज ये हमारी लाइफ है। आपको बताऊं कि मेरे इलेक्शन को फिलिप देने में उस वीडियो ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, बड़ा मूव्ड हो गया। तो मैं तो कैंपेन में नहीं गया, अवॉइड किया, लेकिन आफ्टर इलेक्शन आई कॉल दोज गर्ल्स टू ब्लेस देम। क्या हमारा पोस्टल विभाग, ये जो ग्रामीण बदलाव की मोदी जी की बहुत बड़ी कोशिश है, इसमें और क्या सोच सकता है? आपने काफी काम किया है, PLI के माध्यम से, बैंकिंग अकाउंट के माध्यम से, डिलीवरी ऑफ मनी एट द डोर स्टेप्स के माध्यम से, वो अच्छी बात आपने की है।
मुझे लगता है कि आपके विभाग को अपने पोस्टल विभाग के निचले लेवल के कर्मचारियों से चर्चा करनी चाहिए, टेक देयर फीडबैक। एंड आई ऑलवेज से, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, नई सलाह के लिए किसी से भी राय लेना चाहिए। मैं देखता हूं उसका फायदा बहुत होता है। तो क्यों पोस्टमैन की बहुत मोदी जी चिंता करते हैं और मैं भी चिंता करता हूं? क्योंकि आपके विभाग का जो पोस्टमैन होता है ना, वो एक प्रकार से उस गांव का गार्जियन बन जाता है, लोग उसको ट्रस्ट करते हैं। और ठीक है, कहीं पेमेंट वगैरह में गड़बड़ी होती है तो बहुत सख्ती से लेता हूं, लेकिन अगर हजारों करोड़ रुपया पोस्टमैन ने पूरे भारत में पिछले कई वर्षों में ट्रांजैक्ट किया, लोगों के पास पहुंचाया है, तो इसका कारण क्या है? उसकी बेसिक ईमानदारी को लोग ट्रस्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या उनकी सलाह लेनी चाहिए? मुझे लगता है लेनी चाहिए। निचले स्तर कर्मचारियों की सलाह लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। अब आपके, मैं देख रहा था जो सुकन्या समृद्धि ग्राम है, वो कितने ग्राम है साहब? अभी आपको मैंने देखा है तो अकाउंट तो अच्छा है, 1.74 करोड़, डिपॉजिट इज 28,000 करोड़, लेकिन शायद 5,000 है ना, कितने है? जो आपने गांव कुछ यहाँ कार्यक्रम किया था, बीमा ग्राम 6,700। अब ये बीमा ग्राम 6,000 क्यों होने चाहिए? कितने देश में ग्राम पर, देश में 2,50,000 तो ग्राम पंचायत है, तो अगर आप गांव को ऐड करिए तो 6,00,000 हो जाएंगे। आज पूरे दुनिया के लोग भारत की इकोनॉमी से प्रभावित होकर आ रहे हैं हिंदुस्तान में, हमें इंडिया को लेना है। और देखिए, आप एक बात समझिए, ये जो भारत की इकोनॉमी है, इसमें रूरल इंडिया बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। ये जो पूरा ई कॉमर्स है, इट इज फेड बाय द हिंटरलैंड, स्मॉल टाउन्स एंड ऑल्सो विलेजेस, क्योंकि वहां पर मॉल नहीं है, बड़ी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन एस्पिरेशन तो है। और आपकी फुटप्रिंट पूरे हिंदुस्तान में है, गांव में बहुत है, छोटे शहरों में बहुत है। तो अपने इस एसेट को आप कैसे सदुपयोग करेंगे, थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में। बाकी लोग, आपको मैं बता दूं कि फेसबुक का बिगेस्ट फुटप्रिंट वर्ल्ड में इंडिया में है, व्हाट्सएप का बिगेस्ट फुटप्रिंट इंडिया में है, ट्विटर का सेकंड या थर्ड फुटप्रिंट इंडिया में है। हमारे मोदी जी को इंस्टाग्राम पर अब लगभग 3 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, मेरी ट्विटर की फॉलोइंग 35,00,000 है और फेसबुक पर शायद 26,00,000 है। सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है, लोगों की एस्पिरेशन आगे बढ़ रहा है। हमारे पोस्टल विभाग को लोगों के इस नई आकांक्षाओं के की विवेचना करनी चाहिए और हम उसके अनुसार क्या कर सकते हैं। भारत कैसे बदल रहा है, मैं आपको इसका एक उदाहरण दूंगा। देश घूमता हूं तो मैं ऑब्जर्व भी करता हूं। एक बार हम और रामविलास पासवान प्रचार कर रहे थे तो एक महादलित कॉन्स्टिट्यूएंसी गया से 80 किलोमीटर दूर, जहां बिजली भी नहीं थी, 2015 की बात है, और उसके बाद से मैं देश में सवाल पूछता हूं गांव में खासकर। मतलब बोलो तो कितने लोग फेसबुक पर हो, तो 8,000-9,000 लोग थे, लगभग 3,000 लोगों ने हाथ उठा दिया। कितनों ट्विटर पे हो, उन्होंने कहा रामविलास जी देखिए ये है बदलता हुआ हिंदुस्तान। और अभी जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो गंगा के पार एक दियारा इलाका होता है, बिहार के लोग जानते होंगे, तो मेरी कंस्टिट्यूंसी का पार्ट है उसमें, अभी तक हम लोग ये नो गो इलाका था, नाव से जाना पड़ता है। इस बार मैं लड़ रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया, सम्मान किया, तो लगभग 5,000-6,000 लोग बैठे हुए थे, बिजली भी हाल में गई है, तो बैठ जानते ही है, तो
सेल्फी खिंचाने की होड़ थी, बाकी थी, तो दो बच्चे बात कर रहे थे। रवि बाबू के साथ जल्दी फोटवा खिंचा ही ना रे, फेसबुक पर लोड करे ला हो। आई वॉज अमेस्ड कि बिजली यहां अभी एक महीना पहले आई है, लेकिन फेसबुक पर मेरे साथ फोटो को लोड करने की चाहत है। दिस इज अ चेंजिंग इंडिया। इस नए इंडिया के साथ पोस्टल विभाग को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप चलने की जरूरत है। इसलिए मैं जब डिजिटल इंक्लूजन की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि इस इंक्लूजन में टेक्नोलॉजी भी होगी, लोगों की भावनाएं भी होंगी, कंपैशन भी होगा, आकांक्षाएं भी होंगी। क्योंकि पोस्टल विभाग की एक प्रतिष्ठा है, जब आप इसके साथ चलेंगे तो आप देखेंगे आपको कितना संतोष मिलेगा। और मेरी तो अपेक्षा क्या है कि एक बार आपके साथ बैठ के बात करूंगा, आई वुड लाइक बिग कंपनीज टू हैव अलायंस विथ यू, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। कुछ इसकी शासकीय समस्या होगी तो उसका निराकरण करेंगे। लेट अ ग्लोबल कंपनी सीक इंडियाज पोस्टल ऑपरेशंस इन वेरियस, लेट्स गो फॉर दैट। मेरी सोच बहुत डिफरेंट है इस मामले में, ताकि आपकी प्रामाणिकता, आपकी प्रतिष्ठा, आपका प्रोफेशनलिज्म ऐसा होना चाहिए कि दुनिया आपको सीख करे। और आज दुनिया हिंदुस्तान को सीख कर रही है। ये जब आप कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि आप एक नई ऊंचाई पे आएंगे। मुझे इसलिए इंश्योरेंस के बारे में एक बात कहनी थी, आपने मेहनत की है तो आपका अभिनंदन है, लेकिन अगर आप भारत के जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो आपकी क्या स्थिति है। भारत की आबादी है 130 करोड़, आपका नंबर पॉलिसी है 3.05 करोड़, क्या आपको इससे संतोष मिलना चाहिए, क्या आपको सोचना चाहिए। और देखिए, बिकॉज इंडिया हैज इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर इंश्योरेंस बिजनेस, देयरफॉर ऑल द ग्लोबल कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया, LIC बाकी हो। तो ये जो एपेटाइट है, अपेक्षा, इस अपेक्षा के अनुरूप थोड़ा काम करने की जरूरत है। बाकी आप अच्छे काम कर रहे हैं, ये सब खूब करिए, लेकिन कुछ बड़े काम को सोचिए। बड़ी सोच, बड़ा मन, बड़ी इच्छा और बड़ा काम करने की निष्ठा, ये आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, ये मेरी आपसे अपेक्षा होगी। और देखिए, भारत के पोस्टल डिपार्टमेंट, जो मैंने कहा, इट इज वन ऑफ द एसेट्स ऑफ इंडिया। और देखिए, मैं कभी इस पक्ष का नहीं हूं कि सब कुछ प्राइवेटाइज किया जाए, नो, बिल्कुल नहीं। आज देखिए, हमने डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाए, सब राइज कर रहे हैं, UPI, डिजिटल पेमेंट, फिर आपके MyGov, वो फिर M-किसान, किसानों के लिए हम लोगों ने बनाया सिस्टम, ये जो आपका पब्लिक पोर्टल EGEM बना है, ये सब लोग उपयोग कर रहे हैं। तो देश में अभी भी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा का आग्रह है, और पोस्टल विभाग के पीछे तिरंगा ही खड़ा है तो कहने की क्या जरूरत है। आज भी आपका इतना करोड़ जो अकाउंट खुलता है, जरा आपको एक बार, मिस्टर सेक्रेटरी, मैं आपसे उम्मीद अपील करूंगा कि यू प्लीज सिट विथ योर टीम एंड हैव एन ऑडिट ऑफ द लास्ट 20 years एज टू व्हाट हैज बीन द राइज इन द नंबर ऑफ अकाउंट्स। आई हैव डन इट एंड इट डज नॉट प्रेजेंट अ वेरी गुड पिक्चर टू मी। तो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इस मानसिकता से निकलने की जरूरत है। इसलिए, और ये 3 करोड़ 5 लाख तो मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है 130 करोड़ की आबादी में। मुझे लगता है कि एक सघन कार्यक्रम चलना चाहिए, और मेघदूत में एक कैटेगरी आप ये बनाइए, उसको एक नहीं दो गोल्ड मेडल दीजिए, जिसने सबसे अधिक इंश्योरेंस का अपने इलाके में काम किया है, सबसे अधिक बैंक अकाउंट खुलवाए हैं, तब तो मेघदूत की सफलता होगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, कभी मैं आपके कार्यक्रम को देखने के लिए फील्ड में आऊंगा,
विशेष रूप से सुकन्या समृद्धि योजना की बेटियों से मिलने का जो कार्यक्रम होता है मैं जाना चाहूंगा। गंगा जल ठीक चल रहा है? कितना बोतल हुआ अभी तक? फिर एक लाख से संतुष्ट नहीं हूं मैं ना। देखो इस गंगा जल की भी एक कहानी है। जब मैं दक्षिण भारत गया था तो आपके विभाग का ही कार्यक्रम था मेरे पिछले टेन्योर में। मुझे दक्षिण भारत के दो तीन मित्र पत्रकार मिले, उन्होंने कहा कि रवि जी क्या पोस्टल विभाग से गंगा जल मिल सकता है? मैंने कहा गंगा जल दक्षिण भारत में? कहा नहीं, कई बार पूजा में माँ मांगती है, कई बार लोगों की अपेक्षा होती है कि जब हम गुजरे हैं तो मुँह में गंगा जल आए। तो फिर दिमाग में मेरी बात आई और आपने अच्छा काम किया है, कीप इट अप, थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए और इसको भी थोड़ा और बिजनेस स्ट्रैटेजी से बांटिए। ये बहुत ही अच्छा काम किया आप लोगों ने, ये बहुत ही मेरा प्रिय विषय है। और इसके पीछे मेरा कारण क्या था? पोस्टल डिपार्टमेंट मस्ट केटर टू द इमोशंस ऑफ इंडिया, ये उस दृष्टिकोण से मैंने किया था। और आज मुझे खुशी होती है कि जब मैं देखता हूँ गंगोत्री का पानी गांव घर में उपलब्ध है तो उसे आम हिंदुस्तानी एक एसेट के रूप में देखता है कि मेरे पास गंगोत्री का गंगा जल है। और कभी ये जो मैं ये गंगोत्री का गंगा जल पीने के लिए नहीं है, गंगोत्री का गंगा जल एक सांस्कृतिक आशीर्वाद है घर के अंदर जो पोस्टल विभाग ने पहुंचाया है, ये समझना चाहिए। तो ये मेरी कुछ, आज मेरा कुछ लंबा बोलने का मन कर रहा है लेकिन मुझे अभी इंटरनेशनल मोबाइल कांग्रेस में भी जाना है तो फिर कभी चर्चा करूंगा। लेकिन आज जो मैंने सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर विचार होना चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए। और एक बात मैं फिर रिपीट करूंगा, जो मैं 1,00,000 डिजिटल विलेज बना रहा हूं, इस हर डिजिटल विलेज में मुझे पोस्टल विभाग का फुटप्रिंट दिखाई पड़ना चाहिए एज अ चेंज एजेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं।